हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलीज फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, मैंने वायनाड का स्काई वे स्टेज आपके साथ शेयर किया था। तो गाइज़ ये देखिए, आप नेचर की आवाज़ सुन पाओगे। ये है हमारा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा बड़ा बालकनी, और बालकनी से पीछे देखिए ये है पूरा जंगल, और यहाँ से आ सकते हैं बालकनी में उठकर मंकीज, जो यहाँ पे ये लोग अवेयरनेस के लिए हर जगह पे इन्होंने लिखा हुआ है बालकनी के सामने कि आपको रात को बालकनी नहीं ओपन रखना है, बंद करके सोना है। तो गाइस, इतना खूबसूरत बालकनी और ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद अब मैं आपको यहाँ का बेस्ट चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो इस जगह का USP है। और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये जो स्काई वेज रिजॉर्ट है, स्टेज जो है यहाँ पे है हैंगिंग ब्रिज बेसिकली, तो आपको वो मैं दिखाऊंगी। और अभी हम हैंगिंग ब्रिज की तरफ ही जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये देखिए सामने, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं तो साफ सफाई चल रही थी, और ये है सामने इतना बड़ा सा पूल। आप मेरे सामने देखो, ये है पूल एरिया, यहाँ की भी अभी सफाई चल रही थी। तो पूल से गुजरते हुए आपका एक साइड आता है बिल्डिंग, वहाँ पे आपको जाना है ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हुए, आई थिंक सेकंड फ्लोर। और देखिए, सेकंड फ्लोर से आपको व्यू दिखाती हूँ किस तरीके का लगने वाला है। ये सेकंड फ्लोर पे आप ये देखो, इतना खूबसूरत था हैंगिंग ब्रिज है, और फर्स्ट फ्लोर से मैंने आपको दिखाया कैसा लगता है। जैसे ही सेकंड फ्लोर पे आप जाएंगे ना, तो आपको एक इतना बड़ा सा टेरेस एरिया दिखता है, जहाँ पे लोग म्यूज़िक वगैरह, बॉनफायर सब कुछ होता है विंटर्स में, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न था तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। बट ये देखो, पूरा भीग गया है वायनाड, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, और सामने एक बहुत खूबसूरत सा लेक भी आपको दिखेगा। तो मतलब सोचो, इतना खूबसूरत जगह, एक तरफ लेक, एक तरफ माउंटेन, एक तरफ स्विमिंग पूल, और एक तरफ हैंगिंग ब्रिज। तो ये है वो खूबसूरत सा लेक, ये है वो खूबसूरत सा स्विमिंग पूल, और नॉन स्टॉप बारिश। और क्योंकि सुबह के 7:30 बज रहे, ब्रेकफास्ट भी चालू नहीं हुआ, सब लोग आराम से सो रहे, मैंने आपको बताया था। और ये देखिए, इतना खूबसूरत सा झूला, मैं थोड़े देर के लिए भी झूला में झूल भी नहीं पाई, बिकॉज जो झूला था, एक तो वो भीगा था, प्लस हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी, बिकॉज हमें पहुँचना था बैंगलोर एयरपोर्ट, हमारी फ़्लाइट थी शाम को, तो हम यहाँ पे और ज़्यादा नहीं स्टे कर पा रहे थे। बहुत मन था, इतना खूबसूरत हमने स्टे बुक किया था अपने लिए। लास्ट डे ऑफ वायनाड हम होटल में बिल्कुल भी स्टे नहीं कर पाए, बिल्कुल होटल का मज़ा नहीं उठा पाए, बिकॉज हमारे को साइट सीन करना था, और साइट सीन करने के बाद जब हम थक हार के होटल पहुँचे तो सब अंधेरा हो चुका था, और इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, हमारे अंदर सुबह से घूमते घूमते एनर्जी थोड़ी भी बाकी नहीं थी, तो ये चीज़ हमारा होटल ठीक से नहीं हो पाया स्टे। बट इतना खूबसूरत व्यू गाइस, देखो नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप, इतना अच्छा अच्छा आपको विलास दिखेगा, स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप्स दिखेगा, स्विमिंग पूल है, हम कुछ भी नहीं कर पाए, तो ये हमारा बैड लक था। बट इतनी ग्रीनरी, इतना खूबसूरत व्यू, और अभी जब मैं निकली थी तो जस्ट थैंकफुली मेरे हाथ में अम्ब्रेला था, और मैं अभी भागते भागते स्पीड में आ गई रिसेप्शन एरिया, क्योंकि मुझे नहीं भीगना था, तबीयत ख़राब हो जाएगा बार बार भीगने से। तो अभी ये देखिए, शोमिल रेडी है हमारा चेकआउट के लिए, टोटल मतलब आई थिंक 7:45 हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी चालू नहीं हुआ था, तो हम लोग ने इसलिए ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं करवाया था पैकेज में। और ये देखिए, बॉनफायर का कितना खूबसूरत सा लुक एंड फील, और ये देखिए पूरा रिसेप्शन एरिया कितना बड़ा है। हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो जो ड्राइवर थे वो ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, तो वो जैसे ही गाड़ी लेके आएंगे हम तुरंत निकलेंगे। सो गाइज, आपको स्काई वे स्टेज के बारे में बता देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी है, मैंने ये 3,500 प्लस टैक्सेस में बुक किया था, तो मुझे इस प्राइस में मिल गया था स्टूडियो। आपने देखा 1 BHK टाइप मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट था, छोटी सी किचन भी थी, काफ़ी खूबसूरत है। तो पहले से बुक करोगे तो आपको भी शायद इसी रेट में मिल जाए, इससे भी थोड़े कम में मिल जाए, लास्ट मोमेंट बुक करोगे तो प्राइस बढ़ जाती है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।